So hey guys and welcome back to my vlog. मैं हूँ अभिलाष. मैं हूँ हेमंत. So हम लोग निकल चुके हैं दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए. Although पंडाल अभी तक कम्प्लीट हुआ नहीं है बहुत सारी जगह, बट अभी प्रिपरेशन में. सो आपको वो दिखाने के लिए आए हैं हम लोग, वो दिखाने के लिए निकले हैं. और बारिश भी हो रही है पर फिर भी आपको कंटेंट देना है, आपको दिखाना है पंडाल का प्री प्रिपरेशन. तो उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं. अभी हम लोग है बकरी बाजार में और आपको दिखाते हैं बकरी बाजार में क्या बना है. सो बने रहिएगा व्लॉग में, आपको दिखाते हैं पंडाल कैसा बना है और किस थीम पे बन रहा है पंडाल. तो भाई अभी तो हम लोग बकरी बाजार पहुंच चुके हैं और ये है अपर बाजार में बकरी बाजार पड़ता है और ये है बकरी बाजार पंडाल का एंट्री. और कुछ यहाँ का ये नज़ारा है बकरी बाजार का और ये है पंडाल. पंडाल का थीम बता दूँ, इस्कॉन टेम्पल के ऊपर थीम है पंडाल इस बार. और चलिए आपको थोड़ा अंदर तक दिखाते हैं और वहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, वहाँ भी आपको ले चलते हैं. भाई साहब बकरी बाजार तो ऐसी फेमस है ही और हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक बनाते ही है. और इस साल तो दो साल के बाद लाइक कोविड के बाद यूनिक बनाना ही था, तो इस्कॉन टेम्पल बना दिया है यहाँ पे इस बार, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है. अभी तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी इतना अच्छा लग रहा है. जब पूरे तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा, पूरा लाइटिंग अच्छे से जलेगा, तब क्या मस्त लगेगा यार. आपको बता दूँ कि इस्कॉन टेम्पल जो इस बार बनाया गया है वो कोलकाता के पास में मायापुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में ही, और उसका यहाँ पर रूप बनाया गया है. सो आप देख सकते हैं. सो ये जो टेम्पल है मायापुर वेस्ट बंगाल में, ऐसी हूबहू ओरिजिनल टेम्पल है उसका. यहाँ पे आपको उसी थीम पे बेस्ड यहाँ पे पूरा कॉपी कर दिया गया है पंडाल में. सो गाइस कुछ इस तरीके से अभी अंदर काम चल ही रहा है, आप देख सकते हैं. अभी अंदर वर्क इन प्रोग्रेस ही है इसीलिए अंदर नहीं जा सकता पूरा. आपको थोड़ा बहुत यहाँ का झलक दिखा दिया कि काम चल ही रहा है अंदर, और इसे कम्प्लीट होने में 2-3 दिन शायद और टाइम लगेगा. हमें से आपको पंडाल तो दिखा ही दिया और ये है साइड व्यू. सो कुछ साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा. और यहाँ पे साइड में मेला भी लगा है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब ट्रायल रन चल रहा है, स्टार्ट हुआ नहीं है एक्चुअली. तो यहाँ पे बहुत तरीके का आपको झूला वगैरह मिलेगा और यहाँ पे मौत का कुआं भी है. तो गाइस कुछ यूँ था बकरी बाजार का सीन और अब चलते हैं यहाँ पे एक और प्रसिद्ध पंडाल जो कि मारवाड़ी भवन, जो कि हरमू बाईपास रोड में पड़ता है. चलिए आपको मारवाड़ी भवन का दिखाते हैं पंडाल. मतलब पहुँच गए मारवाड़ी भवन के बाहर में और ये है मारवाड़ी भवन. और रातू रोड चौक से अगर आप आएंगे तो आप हरमू जाने के रास्ते पर आपको राइट साइड में पड़ेगा मारवाड़ी भवन, विशाल मेगा मार्ट से थोड़ा पहले. तो गाइस ये है मारवाड़ी भवन के अंदर का पंडाल और चलिए आपको थोड़ा नज़दीक ले जाते हैं और नज़दीक से दिखाते हैं. सो गाइज इस बार है ये मारवाड़ी भवन का दुर्गा पूजा का पंडाल और एंट्री के साथ में आप देख सकते हैं बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से बांस के काम से दुर्गा माँ का चेहरा का प्रतिमा बनाया गया है यहाँ पे, और पूरा बांस से ही डिज़ाइन किया गया है इस बार. जितना भी पंडाल पूरा है पूरा बांस का वर्क से ही किया गया है. तो चलिए आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाते हैं और अंदर का काम दिखाते हैं जो अंदर चल रहा है. और अभी भी यहाँ पे काम चल ही रहा है. माँ दुर्गा ऑलरेडी आ चुकी हैं बट अभी तक उनको कवर करके रखा गया है. तो गाइस अभी मारवाड़ी भवन वाला हो गया हम लोग का देखना और अभी हम लोग जा रहे हैं रातू रोड का दुर्गा मंदिर के पास में, जो दुर्गा मंडप के पास में जो बनता है वो भी वन ऑफ दी फेमस पूजा पंडाल है रांची का. तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का अभी. तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं रातू रोड दुर्गा मंदिर मंडप के पास में वाला पंडाल और कुछ इस तरीके का बनाया हुआ. आवाज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शायद आपको आवाज़ सुनाई ना दे, पर चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा और क्लोजअप शॉट. गाइस ये है आपका देवी मंडप दुर्गा मंदिर रातू रोड का अंदर का,
अभी भी यहाँ भी सारे पंडाल में भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, अभी काम चल ही रहा है। और यहाँ पे दुर्गा माँ, यहाँ पे जय माँ दुर्गा। और ऊपर का क्या मस्त डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। और अभी तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, यहाँ पे काम चल ही रहा है। आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा होगा बैकग्राउंड में, बिकॉज सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे। सो गाइज, अभी हमारा हो गया है रातू रोड देवी मंडप भी घूमना कंप्लीट, और अब चलते हैं रांची का एक और फेमस पंडाल जो कि है रांची रेलवे स्टेशन के पास में, जो रांची रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही बनता है। तो चलिए वो भी पंडाल आपको दिखाते हैं और घुमाते हैं वहाँ पे, वहाँ का भी वर्चुअल दर्शन आपको कराते हैं। सो आज आपको रांची का टॉप 5 पंडाल का वर्चुअल दर्शन कराने का सोचा है। सो अभी 3 तो हो गया, पहला था आपका बकरी बाजार, दूसरा था आपका मारवाड़ी भवन, तीसरा आपका देवी मंडप, अब चौथा रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल, और पांचवा रहेगा हरमू जो कि मेरे घर के बगल में भी है। जब हम लोग आ गए रांची रेलवे स्टेशन, और रांची रेलवे स्टेशन ये आप देख सकते हैं, उसके जस्ट बगल में भी पूजा पंडाल बनता है जो कि बहुत फेमस पूजा पंडाल है रांची का। तो चलिए आपको नजदीक ले चलते हैं, वहां दिखाते हैं कैसा इस बार रांची रेलवे स्टेशन के का पंडाल बन रहा है। गाइस बता दूं आपको कि पहले यहां पे पूजा पंडाल बनता था जो कि अब ऑटो स्टैंड रिक्शा स्टैंड बन चुका है, और अब वो पंडाल शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा और आगे। अगर रांची रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, वो चुटिया को जो रास्ता कनेक्ट करता है वहाँ पे अब शिफ्ट हो गया है रांची। आप रेलवे स्टेशन से अगर आएंगे तो ये वाले लेन में घुसना होगा आपको, और यहाँ पे पंडाल शिफ्ट हुआ है। ये कब से पंडाल शिफ्ट हो गया यहाँ पे? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया ना, तो मतलब कोविड के बाद, कोविड के टाइम से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पे पंडाल बन ही रहा है अभी। ये देखिए यहाँ पे उतना प्रॉपर लाइटिंग वगैरह, लाइट्स वगैरह ऑन तो नहीं किया है, फिर भी चलिए आपको दिखाते हैं नज़दीक से, जाते हैं पास में और दिखाते हैं कैसा हुआ है यहाँ पे पंडाल। तो देखिए अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, अभी बांस वगैरह लग ही रहा है। सामने वहाँ पे भोलेनाथ का प्रतिमा है, वहाँ पे उसको प्लेस किया जा रहा है। और ये रहा यहाँ पे, काफ़ी सुंदर बनाया है यहाँ का भी पंडाल, कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, वो बांस को पूरा यूज़ कर करके, बांस का टुकड़ा को यूज़ कर करके पूरा ये डिज़ाइन प्रिपेयर किया गया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये आपको दिखाते हैं अभी अंदर का। सो गाइस ये है अंदर का, आपको डिज़ाइन दिखाते हैं अंदर का। साइड में बहुत अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये नेट का यूज़ करके ये बनाया गया है, और ऊपर में जो है ये कुछ महल टाइप का बनाया गया है जिसमें ऊपर बादल या स्नो टाइप का डिज़ाइन दिया गया है चारों ओर, और अंदर में भगवान दुर्गा का प्रतिमा है। और ये चारों ओर जो है आपको बड़े ही सुंदर तरीके से कलरफुल अलग अलग कलर के आपको साइड में वो नेट का यूज़ करके टोकरी का शेप में दिया गया है, बट एक्चुअली वो टोकरी है नहीं, वो नेट का यूज़ किया गया है। और ये काफ़ी सुंदर है, मतलब बाहर से देख के लगा नहीं था कि अंदर का ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है इस बार। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन सा पंडाल सबसे अच्छा बनाया है इस बार रांची में, और आप उसको रैंकिंग के हिसाब से कमेंट कीजिएगा कौन सा 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों पंडाल में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। और अभी चलते हैं हम लोग पंडाल हरमू का आपको दिखाते हैं। सो चलिए आपको हरमू वाला पंडाल दिखाते हैं जो भी, वो भी बहुत फेमस पंडाल है रांची का। गाइस अभी हमें लग गई घूमते घूमते थोड़ा भूख, और हम लोग रुके हैं रोल खाने के लिए। ऑफकोर्स नवरात्रि है तो हम लोग वेज रोल ही खा रहे हैं। सो हम लोग आए हैं अभी रैप एंड रोल जो कि कटरू में है, और यहाँ से होते हुए हम लोग हरमू जाएंगे, हरमू का पंडाल दिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर ये व्लॉग वहाँ पे एंड करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हरमू वाला पंडाल, और हरमू वाला पंडाल के पहले यहाँ पे खादी मेला भी लगा हुआ है जो हरमू बड़ा मैदान बोलते हैं जिसको, हरमू मैदान पे। सो उसका भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, और उससे पहले आपको दिखाते हैं हरमू का पंडाल कैसा बना है। और ये हरमू पंडाल का एंट्री, लाइटिंग वगैरह ज़बरदस्त लगा हुआ है यहाँ पे, लाइटिंग काफ़ी अच्छा लगाया है बाहर से यहाँ पे तो। और चलिए देखते हैं अंदर पंडाल कैसा है यहाँ पे और किस थीम पे बेस्ड है। सो गाइस कुछ ये है हरमू पूजा पंडाल, हरमू मार्केट जो सब्जी मार्केट लगता है उसी ग्राउंड में ये पूजा पंडाल बना है, और यहाँ पे पूजा पंडाल है, और यहाँ पे वहाँ पे मेला भी लगेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं झूला वगैरह लगेगा। और ये पेड़ में लाइटिंग बहुत अच्छा किया है, और अभी तक तो ये स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी। सो चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं अंदर का कुछ कैसा है।
काफ़ी सुंदर बना है ये भी, और अंदर से कुछ इस तरीके का है। तो ये हैरमू पंडाल का अंदर का, और ये माँ दुर्गा, और अंदर का डेकोरेशन बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे भगवान का मूर्ति पेंट किया जा रहा है। गाइस ये था हमारा पंडाल का दर्शन, आपको वर्चुअल जर्नी कराया, वर्चुअल टूर कराया सारे पंडाल का, टॉप 5 पंडाल रांची का। सो व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल। सो अच्छे से घूमिएगा, सेफली घूमिएगा, और व्लॉग को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा पंडाल बेस्ट लगा आपको, कौन सा पंडाल सबसे अच्छा लगा। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।